तनुश्री दत्ता और राखी सावंत के बीच की तू तू मैं बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में राखी सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसपे उन्होंने काफी सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि तनुश्री दत्ता एक लेस्बियन है, साथ ही साथ 12 साल पहले उन्होंने उनका रेप किया था। इन्हीं आरोपों पर अब तनुश्री दत्ता ने सफाई दी है। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता और राखी सावंत के बीच की कहासुनी बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राखी ने तनुश्री पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 12 साल पहले तनुश्री ने उनका रेप किया था। असल में वो लड़की नहीं बल्कि लेस्बियन है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो शराब पीती हैं और ड्रग्स भी लेती हैं। अब तनुश्री ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। इन आरोपों पर तनुश्री ने कहा, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूं, ना ही शराब पीती हूं और ना ही मैं लेस्बियन हूं। #MeToo कैंपेन का मकसद समाज में बदलाव लाना है। ऐसी बयानबाजी कर एक गंभीर कैंपेन का मजाक उड़ाना सही नहीं है। उन्होंने कहा, किसी को कलंकित करने का मोमेंट अच्छा नहीं होता। मैं लेस्बियन और ड्रग एडिक्ट नहीं हूं, मगर इस प्रतिसत्तात्मक समाज में अपने हक के लिए लड़ने वाली महिला जरूर हूं। मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालकर मुझे चुप कराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बता दें कि कुछ समय पहले राखी ने तनुश्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, मैं दुनिया को वो सच बताना चाहती हूं जो 12 साल तक छुपाए रखा। तनुश्री ने मेरा बार बार रेप किया है। तनुश्री का सबसे बड़ा सच ये है कि वो लेस्बियन है। वो अंदर से एक लड़का है। वो मुझे रेव पार्टी में ले जाती थी, वहां नशीले पदार्थ खुद लेती थी। उन्होंने कहा, सिर्फ मर्द रेप नहीं करते, एक लड़की भी रेप कर सकती है। ये सुनकर लोग हंस रहे होंगे, लेकिन ये सच है। तनुश्री ने मेरे लिए अपने बाल भी मुंडवा दिए, उसने मुझे खुद बताया था। लेकिन अब तुम गेम कर रही हो, तुम बस इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हो। नार्को टेस्ट नाना पाटेकर का नहीं बल्कि तनुश्री का होना चाहिए। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें।